लगातार बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो देखिए, एक खबर जो आ रही है मेदवेदेव से जुड़ी हुई वो भी दिखा देते हैं। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने जो इस वक्त आ रही है, एटमी ताकत बढ़ाने पर काम करेगा रूस, बहुत बड़ी खबर इस वक्त देखिए। तो क्या स्टार ट्रीटी से निकलने का यही मकसद था? पुतिन ने कहा न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता बढ़ाएगा रूस, पश्चिम की चुनौतियों को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है। बड़ी खबर, पुतिन कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता रूस बढ़ाएगा। देखिए इससे जुड़े हम आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं, कुछ जानकारियां देते हैं इससे जुड़ी हुई। अगर पुतिन न्यूक अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? न्यूक्लियर तैयारियों पर अब और ज्यादा फोकस, जल थल और नभ तीनों जगह ताकत बढ़ाएंगे, ये कह रहे हैं पुतिन। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हालांकि न्यूक अटैक की तस्वीर तो नहीं है ये, लेकिन न्यूक्लियर हथियार किस तरह से कहर बरपा सकते हैं, इससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी का वो हमला हो सकता है जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, जल्दी से इस पर एक मैं कॉमेंट दे लेता हूँ, फिर आपको एक और बड़ी खबर दिखाता हूँ। जनरल दयाल, मुझे जल्दी से बताइए, ये स्टार्ट ट्रीटी से निकलना और फिर ये खबर आना कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाएंगे, सर जल्दी से, ये कितना बड़ा एक संकेत है कि इस वॉर में न्यूक्लियर अटैक तक कोई कुछ ऐसा हो सकता है? सर माइक। देखिए गौरव, रशिया के पास एडिक्वेट न्यूक्लियर हथियार है वेस्ट और नाटो को जवाब देने के लिए और उनको सेटल करें, दुनिया को तबाह करने के लिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल न्यूक्लियर मसल फ्लेक्सिंग जो है, न्यूक्लियर एक साइकोलॉजिकल वॉर के तौर पे नाटो की पॉपुलेशन को एक दहशत में डालने के लिए, ताकि उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उस पर एक दबाव पड़े पॉपुलेशन का, ये सिर्फ उसके लिए यूज की है और कोई, मैं नहीं समझता कि ठीक है, चलिए मैं आपके पास किसी किस्म का न्यूक्लियर वॉरफेयर करने का कोई, चलिए ठीक है।